अल्लाह के नाम से जो दयावंत है कृपावंत है। साथियों, जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, मुझे और आपको जो जीवन मिला है ये जीवन एक परीक्षा है। हर व्यक्ति इस परीक्षा को दे रहा है अलग अलग रूप में, ये वो परीक्षा से गुजर रहा है। उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं जिनके उदाहरण यहाँ पर मैं देना उचित नहीं समझता क्योंकि उतना ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं होता। ये परीक्षा समाप्त होती है मेरे और आपके मरने के साथ। जरा सोचे दोस्तों कि कोई व्यक्ति मरता है, उसे मिट्टी में दफन किया जाता है और वो मिट्टी बन जाता है, या किसी को अग्नि दी जाती है और उसका जिस्म जो है तो राख हो जाता है। किस्सा कहानी यहीं खत्म हो जाती है कि जीवन मिला था समाप्त हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, किस्सा और कहानी खत्म नहीं होती बल्कि अब शुरू होती है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम सबका एक निर्माता है जिसने हम सबको जीवन दिया और वो हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए परीक्षा ले रहा है ताकि वो हमें सफल देखना चाहता है। हमेशा हमेशा की सफलता उस व्यक्ति को मिल सकती है जो इस जीवन को ईश्वर या अल्लाह के बताए हुए नियमों, उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर गुजारे। और उस व्यक्ति के भाग्य में असफलता लिखी जाएगी जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को बिताता है। ये है जीवन शुरू होने की कहानी मरणोत्तर जीवन के बाद, यानी मरने के बाद। दोस्तों जरा सोचें और करें, अगर प्रेषित की ये वाणी असत्य होती है, नऊज बिल्ला, सत्य नहीं होती, ना कोई परीक्षा का निकाल होगा, ना कोई निर्माता है, ना कोई अल्लाह है, ना मरने के बाद कोई जीवन है, तो हमारा क्या बिगड़ता है? इस जीवन को हमने जैसे तैसे बिताया, बिता दिया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर सोचिए, प्रेषित की ये वाणी सत्य हुई और हमें मरने के बाद ये पता चल गया कि हमारा जीवन देने वाला कोई निर्माता था जिसने हमको जीवन दिया था और अब वो निर्माता इस जीवन का हिसाब ले रहा है और अब हमारे जो है तो भाग्य में हमेशा हमेशा की असफलता लिख दी गई है, तब पछताने से क्या होगा? तो साथियों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा और आपका जो ये जीवन है ये बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इस जीवन का मोल जानिए, जानिए कि आपका निर्माता क्या है, जानिए कि आपको किस उद्देश्य के लिए, किस मकसद के लिए ये जीवन मिला है, कहीं पछतावा हमारा मुकद्दर ना बन जाए। मुझे उम्मीद है आप जरूर सोच विचार करेंगे, जरूर गौर करेंगे। थैंक्स, जजाकल्ला जो आपने मुझे सुना, शुक्रिया।